हेलो ऑल ऑफ यू। हम सब लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, हम सब बेटर डायरेक्शन में आगे मूव करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद हम अपने अंदर के उस डिटर्मिनेशन को, अंदर की आवाज़ को, अपनी इच्छा शक्ति को शायद सुन ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम नेगेटिव होते जाते हैं, या हमारे आसपास के लोग हमें कुछ कहते हैं या हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, या उनकी कुछ बातें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, और जो हमारा वो सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो धीरे 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 कम होने लगता है। हम नेगेटिव होते हैं, सैड होते हैं, स्ट्रेस की डायरेक्शन में जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है और उसके लिए हम क्या कर क्या सकते हैं, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू वॉन्ट कि आप मेरी और वीडियोज़ को सुने और पॉजिटिव फील करें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा पाएँ। तो आज हम बात कर रहे थे कि हम कैसे पॉजिटिविटी और अपने सेल्फ एस्टीम को लिंक कर सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अंदर डालना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी ना खुद से, या हम कोशिश करें कि कोई मेरे पास आए और मुझे पॉजिटिविटी की कोई दवाई पिला दे और मैं पी के बिल्कुल पॉजिटिव हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। हमें खुद वहाँ तक जाना पड़ता है। पानी का ग्लास चल के मेरे पास नहीं आता, मुझे उसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूँ। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप उस पानी के ग्लास तक खुद पहुँचें, या फिर आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को या लव्ड वंस को कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे पानी ला दो, मुझे प्यास लगी है, और वो चल के आपको पानी का ग्लास दे दें। ये दोनों ही डायरेक्शन में आपको प्यास बुझेगी। सिमिलरली इज योर पॉजिटिविटी, या तो आप खुद पॉजिटिव डायरेक्शंस में आगे बढ़ें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और किसी वजह से आप नहीं उस तक पहुँच पा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को या लव्ड वन को आपको पानी देने के लिए या पॉजिटिविटी देने के लिए मना नहीं कर सकते। और यही बड़ी गलती मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ। जब हम नेगेटिव होते हैं, परेशान होते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो जब हमारे घर वाले या हमसे जो प्यार करता है, हमारे दोस्त, हमारे लव्ड वंस, अगर हमें आके ये कहते हैं कि यार तू परेशान मत हो, हमारे कंधे पे हाथ रख के हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरे अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्या हो गया अगर तू इसमें फेल हो गया, बहुत और चीज़ें तू अच्छी कर सकता है, मेरे हिसाब से तू सेल्फ डिटर्मिंड बहुत अच्छा है, तू पंक्चुअल है, तू टाइम से चीज़ें करता है, तू इस चीज़ में बहुत अच्छा है, तू गा बहुत अच्छा सकता है, लेकिन हम उस समय इतने नेगेटिव होते हैं और हम पॉजिटिविटी को अपने तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं ना ना ये मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस की ही नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहे हो, तुम मुझे बूस्ट करने के लिए बोल रहे हो, तो काम कैसे चलेगा। पॉजिटिविटी या तो आप खुद से उसकी डायरेक्शन में जाओ, और अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, तो अगर आपके लव्ड वन आके आपको वो डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिविटी तक पहुँचना। पॉजिटिविटी कोई बहुत बड़ा शब्द या ग्रंथ नहीं है। दिस इज़ जस्ट यू, दिस इज़ जस्ट मी, मेरे अंदर वो चीज़ है, मेरे अंदर वो आत्मा है, वो सोल है, जो मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और कभी कभार जिंदगी के उतार चढ़ाव के कारण अगर मैं नेगेटिव हो भी जाता हूं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। खुद उस वाइब्स, जिसे हम अच्छी वे चेतनाएं कहते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करो। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अगर कोई और आके आपको कमर पे हाथ दे के ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो उसे मना ना करें। ये कहीं ना कहीं आपको और बेहतर ज़िंदगी में पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। लोगों को पॉजिटिविटी देना, उनके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना, और उन्हें वो दिखाना जो वो करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में आगे मूव करने की प्रेरणा देती हूँ। तो मेरी और वीडियो से लिंक रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव चाहते हैं, या अपनी बातों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मेरा लिंक है, जहाँ से आप मुझे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, मुझे पर्सनली आके मिल भी सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ है, और आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप डेली मेरी एक वीडियो को सुन के अपने आप को बूस्ट कर सकें। थैंक यू।